नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबर आ रही है सेवराई से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा पर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए संसाधनों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल कराया गया। डॉक्टर डीपी सिन्हा ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आज भी स्वाद टीम गाँव में पहुँचने पर लोगों द्वारा वैक्सीनेशन नहीं कराया जाता। सभी लोग एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते कोरोना का टीकाकरण करवा ले, जिससे इस महामारी से निपटने के लिए मदद मिल सके। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय आनंद, हैदर अली, चीफ फार्मासिस्ट ए.एन. यादव, महेंद्र प्रसाद एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए चिकित्सा विभाग के द्वारा सभी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है, जिसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ACMO डॉक्टर डीपी सिन्हा ने मॉक ड्रिल कराते हुए अस्पताल के संसाधनों एवं चिकित्सा विभाग की जांच पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, बेड, सामान्य बेड, शौचालय साफ सफाई आदि की जांच पड़ताल की और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए उससे निपटने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। लोगों को कम समय में अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ देने व अन्य समस्याओं के बाबत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वो स्वास्थ्य कर्मी हर विषम परिस्थितियों में अपनी सेवा देते हुए लोगों की जान बचा सके। सर, आज आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा पर आए हैं, क्या कुछ मामला है और क्या नहीं? आज कोविड का थर्ड वेव का आने का आज मॉक ड्रिल चल रहा है, उसी के पर्पज़ यहाँ की व्यवस्था को कुछ मैंने सारी मशीन काम कर रहा है कि नहीं, इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आज आया हूँ। अभी तक आपके तरफ क्या निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ कमियाँ पाई गई? यहाँ पे जो इमरजेंसी में जो भी हमारी मशीन है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं या हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो सही सलामत है, काम कर रहा है कि नहीं, उसी को अभी मैं आ करके देख रहा हूँ। तो सारे जो हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो चल रहा है पूरी क्षमता के साथ। और सर, ये है कि यहाँ पे कोई नियुक्ति नहीं हुई, एक निगम की नियुक्ति हुई थी, उसमें क्या हुआ सर? नियुक्ति के बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है जी, जिसके बारे में आपको बता सकूँ। और साफ सफाई भी यहाँ सही नहीं है? साफ सफाई तो देखिए शुरू से थोड़ा यहाँ दिक्कत रहा था जी। हाँ, पहले गेट भी आप लोग देखे हुए कि टूटा हुआ था जी जी, हमारे कहने पर गेट को मरम्मत करा करके वहाँ से ढंग से काम कराया गया है। हम एनिमल फीड के लिए भी बोले हैं कि गेट पे लग जाए, ताकि जो जानवर है घुमंतु वो अंदर ना आ जाए और यहाँ के पेड़ पौधे को ना खाए, उसको बचाने हेतु हम बोले हैं। और कोशिश है कि बन जाना चाहिए, और फूल पौधे और पेड़ लगाने का भी कार्यक्रम चल रहा है। पहले पेड़ लगता था, हर बार लगता था, लेकिन पशु, छोटा पशु ये सब आ जाता है, उसके चलते वो सारे उसको खा जाते हैं। तो उसी के सुरक्षा के लिए एनिमल फीड भी वहाँ लगाने का प्रस्ताव है। और यहाँ के लोगों का शिकायत है इलाके का, कुछ डॉक्टर जो है यहाँ मनमानी लोगों से उलझ जाते हैं कोई भी बात करने पर। नहीं, कोई चीज़ देखिए होता है, कभी कभी देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से होता है जी जी। कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है जी। तो है कि आपसी तालमेल और बोलचाल में अच्छे ढंग से बात करें, अच्छा व्यवहार करें जी, तो दोनों लोग सही रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ जो भी डॉक्टर हमारे यहाँ दूर से आए हैं जी जी, तो कहीं भी कोई आदमी आपके इलाके में आया है दूर से, तो उसकी केयर करना इस क्षेत्र के लोगों का भी जिम्मेदारी है कि उनको हम अच्छे ढंग से रहें। और जो यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी कर्तव्य है कि लोगों से अच्छा व्यवहार बना कर रहें, ताकि जनमानस का जो है कल्याण हो सके। और देखिए चिकित्सा एक ऐसा विभाग है, यहाँ सब लोग दुख में आता है, कोई खुश आदमी यहाँ नहीं आता है, हमेशा वो दर्द। और सर, एक और शिकायत है कि यहाँ के मेन जो डॉक्टर हैं, जो इसकी बैठना चाहिए वो नहीं बैठते, दूसरे तीसरे लोगों को बैठा के जो है काम चलाते हैं। है क्या ना, अभी इतना कोविड टीकाकरण और अन्य कार्यक्रम में व्यस्त रहना पड़ता है, जो प्रभारी हैं उनको हमेशा कभी मीटिंग में कभी क्षेत्र में ये जाना पड़ता है, इसलिए उसके चलते वो बैठ नहीं पाते होंगे। लेकिन जब खाली समय रहता है तो वो लोग बैठते हैं। बाकी अन्य जो हमारे चिकित्सक हैं वो लोग यहाँ पे बैठ के रेगुलर प्रतिदिन
ओपीडी करेंगे एवं इमरजेंसी करेंगे। यहाँ की देखिए क्षेत्र की व्यवस्था को देखना MYC का कर्तव्य है, और साथ ही साथ जो हमारी मीटिंग होता है प्रतिदिन, अक्सर हमेशा जूम मीटिंग या अन्य कार्यक्रम से संबंधित होते रहता है, तो उसमें लोगों को जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ये लोग कम बैठ पाते हैं। और एक और शिकायत है कुछ यहाँ के कर्मचारियों का, जैसे NM है, आशाएँ हैं, उनका ये कहना है कि जो है हम लोग को मनमानी तरीके से ड्यूटी इधर उधर लगा दिया जाता है, नहीं लगाने पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया जाता है, कई NM है जैसा कि लोग कह रहे थे, अभी लोग पता चला। यहाँ पे जैसे देखिए है क्या, अभी जो हमारा कोविड टीकाकरण चल रहा है, कहीं कहीं मान लीजिए हमारे स्टाफ कम पड़ जाते हैं, जी जी, तो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उन लोगों को लगाया जा रहा है। जी जी, अभी जो हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पे स्पेशल गांव-गांव जाकर के टीम कोविड टीकाकरण कर रहा है, उसमें है कि जहाँ पे हमारी NM कम है उनको दूसरी जगह ड्यूटी लगा करके हमको काम लेना है, इसलिए कि 100% कोविड का टीकाकरण कराएंगे ताकि थर्ड वेव यदि आता है जिससे कि हम जनमानस को बचा सकें। और हमारा आप लोगों से एवं यहाँ के नागरिकों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड का टीकाकरण कराएं, जिससे कि अपना जो समाज है कोविड के प्रकोप से बच सके, अपने एवं अपने परिवार एवं गांव को बचा सके।